हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू, या फिर आप कह सकते हो थीम टू, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, कि किस तरह से राइटिंग की शुरुआत हुई, या फिर अगर हम मानव जाति की बात करें तो हम कब जानते हैं कि राइटिंग हो गई थी। तो देख लेते हैं मेसोपोटामिया, जो बहुत ही फेमस नेम आपने सुना होगा। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। मैसो का मतलब होता है मिडल और पोटामस का मतलब होता है रिवर, यानी कि जो रिवर्स के बीच में हो। अब देख लेते हैं एक बार मैप में कि रिवर्स के बीच में कैसे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, दो नदियाँ हैं, एक तो यूफ्रेटस यानी कि जिसे आप फरात भी कहते हो, ठीक है ये, और साथ में एक टिग्रिस नदी, ठीक है। इन दोनों के जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ मेसोपोटामिया की लैंड है। और इनके आगे पीछे देख लेते हैं, तो यहाँ पे सीरिया है, यहाँ तुर्की है, यहाँ इराक है। आज का जो इराक है, जो रिपब्लिक ऑफ इराक है, लगभग उसी को ही मेसोपोटामिया का मतलब एरिया माना जाता है, और यहाँ ईरान है। तो अगर हम बात करें तो देखो, इसकी जो भाषा थी मेनली, ये भाषा के लिए पॉपुलर था, इसकी लिखावट के लिए पॉपुलर था। तो जो मेसोपोटामिया वाला रीजन है, इसने अपनी भाषा को कहाँ तक फैला दिया, सीरिया के नॉर्थ तक, तुर्की में, आसपास वाले एरियाज में, अरबी में, ईरान में, ठीक है, यहाँ पे तक इसने अपनी भाषा को फैला दिया, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहाँ तक उसने अपनी भाषा को फैला दिया, और सारी भाषाएं यहाँ पे बहुत सारी बोली जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ की शुरुआत की। जब स्टार्टिंग में साउथ के, यानी कि इसके मेसोपोटामिया के साउथ वाले रीजन में जब क्या हुआ, शहरीकरण शुरू हुआ, तो जो साउथ वाला रीजन था उसे क्या कहा गया, सुमेर और अक्कड़, ठीक है, सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था। लेकिन बाद में यहाँ पे बेबीलोनिया लोग आ गए, तो इस नाम को क्या, इस जगह को क्या कर दिया, बेबीलोनिया, ठीक है, वहीं सॉरी, यहाँ पे बेबीलोनिया लोग आ गए तो जगह का नाम रख दिया बेबीलोन, क्या कर दिया, बेबी लोन, क्योंकि यहाँ पे कौन आ गए, बेबीलोनिया लोग आ गए थे, ठीक है। तो ये जो बेबीलोन जगह का नाम पड़ गया, आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, पहले और क्या होता था, पहले यहाँ ये असेरियंस जो लोग थे, असेरियंस लोगों ने अपना किंगडम स्थापित करा नॉर्थ में, तो फिर नॉर्थ को क्या कहने लगे, असेरिया कहने लगे। पहले यहाँ लैंग्वेज थी सुमेरियन, बाद में क्या हुआ, अक्काडियन बोलने वाले लोग आने लगे, तो भाषा यहाँ की बदल के क्या हो गई, अक्काडियन, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर के टाइम तक भाषा चली। फिर बाद में अरमाइक बोलने वाले लोग आ गए, तो अरमाइक जो कि थोड़ी हिब्रू की तरह लैंग्वेज होती है, अरबी भाषा की तरह थोड़ी सी मिक्स होती है, ठीक है, तो वो आज भी इराक में बोली जाती है। तो स्पेशली इस पैराग्राफ में क्या था, कौन कैसे था, साउथ के पार्ट को क्या कहते थे, सुमेर और अक्कड़ कहते थे, ठीक है, जिसे बाद में बेबीलोन कहने लगे, क्योंकि यहाँ पे बेबीलोनियन लोग आ गए। ऊपर के रीजन को, नॉर्थ के रीजन को क्या कहते हैं, असेरिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे असेरियन लोग आ गए थे बाद में, ठीक है। भाषा पहले कौन सी थी, सुमेरियन, बाद में क्या बन गई, अक्काडियन, क्योंकि अक्काडियन बोलने वाले लोग आ गए, और उसके भी बाद में मतलब काफ़ी टाइम बाद एक हिब्रू भाषा का, हिब्रू भाषा से मिलते जुलते एक भाषा अरमाइक आई, जो कि आज भी इराक में बोली जाती है। अब हम आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी चलेगी आपकी पूरी, लेकिन हाँ हम थोड़े से इन्हें देख लेते हैं, थोड़े से फैक्ट्स हैं कि आर्कियोलॉजी जो है, मेसोपोटामिया की जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पढ़ना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या था यहाँ, पहले 1840 के लगभग से शुरू करा गया, ठीक है। कौन कौन से दो साइट से, स्पेशली दो साइट थी इंपॉर्टेंट, उरुक और मारी। कौन कौन सी, उरुक और मारी, आप देखोगे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे क्या क्या पढ़ा गया, यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, यही सब नहीं देखा गया, बल्कि जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे वो भी पढ़े गए। और यहाँ की स्पेशली बात यही थी कि लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे, तो ज्यादा इसका पता लगाया जाया, ठीक है, गया। यूरोपीय लोगों के लिए मेसोपोटामिया क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो उनकी बाइबल है ना, यूरोप के लोग क्रिश्चियन होते ज़्यादातर, उन बाइबल में स्टार्टिंग में ही क्या दे रखा है, एक रेफरेंस दे रखा है ओल्ड टेस्टामेंट में, जहाँ पे मेसोपोटामिया का नाम आया है, ठीक है। जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट करके जो चैप्टर है, जो जो पेज है, वहाँ पे क्या है, मेसोपोटामिया का नाम आया, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टांस, द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स टू शिमार नोइंग सुमेर, यानी कि जो बुक ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें एक वर्ड यूज हो रहा है शिमार, जिसे कहीं ना कहीं सुमेर कहा जाता है। और सुमेर क्या है, एक ऐसी लैंड है जो कि ईंटों से मिलके बनी हो, ब्रिक बिल्ट सिटीज़, यानी कि ईंटों से बने हुए शहर, ठीक है, उसे सुमेर कहते हैं। और सुमेरियन इनकी भाषा भी थी पहले, ठीक है। तो यानी कि मेसोपोटामिया की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। हम ये तो नहीं मान सकते कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी लिखा है वो लिटरली ट्रूथ है, यानी कि शब्द शब्द से सच है, यानी कि एक एक शब्द उसका सच है, बट हाँ इसका मतलब ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इसका लिंक मेसोपोटामिया से या वहाँ की सभ्यता से ज़रूर होता होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है उसे कि 1873 के एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर के जो मालिक थे, उन्होंने फंडिंग करी किस लिए, कि ब्रिटिश म्यूजियम में जाओ और जो टैबलेट है,
टैबलेट यानी जो तख्ती वगैरह थी या फिर जो मिट्टी की स्लेट थी जिस पर लिखा जाता था, ठीक है, जिस पर बाढ़ की स्टोरी लिखी गई है जो बाइबल में मेंशन है, उसे लेके आओ और उसे पढ़ो। तो फंडिंग उसके लिए किसने करी उसे पढ़ने के लिए? ब्रिटिश के एक न्यूज़पेपर ने। यानी कि हर किसी का इंटरेस्ट इसकी खोजबीन में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही था। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि 1960s तक ये समझ में आने लगा था कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो चीज़ें थी वो लिटरली तो सच नहीं होंगी, यानी कि शब्दशः एक एक शब्द तो उसका सच नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेमोरीज़ हैं, जो धीरे धीरे जो हमारी मेमोरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में यहाँ से लिंक होगी और हमें आर्कियोलॉजिकल टेक्निक से पता चलता है कि भाई क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अब हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ऑर्डिनरी लोग रहते थे, क्या लिटरल ट्रुथ था क्या नहीं था, कितना सच था कितना नहीं था, और इस चैप्टर में हम आगे तक यही देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बाइबल की बात करें तो एक समय था दुनिया में क्या आई थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन गॉड ने क्या करा, गॉड ने एक मैन को चुना जिसका नाम नोहा था, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने ज़िंदगी बचाने के लिए एक स्टेप उठाया। नोहा ने एक बहुत बड़ी बोट बनाई जिसे आर्क कहा गया, और उसने उस आर्क में क्या करा, हर तरह के जीव जंतुओं का एक 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 क्या करा, पेयर को अपने उस बोट में रख दिया, जिससे इस बाढ़ के बाद वो बोट बच जाए और सारे जीव जंतु वापस से फ्लरिश कर पाए। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ऐसा हुआ जिससे जीवन आगे बचाया गया। और ये सारी चीज़ें क्या है, देयर वॉज अ स्प्रिंकलिंग सिमिलर स्टोरी इन द मेसोपोटामियन ट्रेडिशन। मेसोपोटामिया की ट्रेडिशन में भी ऐसी स्टोरी मिलती है जहाँ का प्रिंसिपल कैरेक्टर कौन था, यानी कि जो जैसे मेन हमारे भगवान होते हैं या नाम होता है जैसे, तो इनके में मेन नाम कौन था, ज़ियूसुद्रा और यूटनो पिस्टम। वैसे आपको याद नहीं करना, बात है कि बाइबल से मेसोपोटामिया का लिंक बहुत ज़्यादा था। जैसे आप बताओ ये वाली स्टोरी ना थोड़ी वैसे भी है ना, हम देखते हैं अपने हिंदू रीजन में अगर इंडिया में देखा जाए तो कुछ मत्स्य अवतार लिया था विष्णु भगवान ने, कुछ सच करके स्टोरी भी शायद लिंक है ऐसे, ठीक है, तो आप लिंक देख सकते हो कि स्टोरीज़ कितनी मिलती जुलती होती हैं। और हमें ये भी नहीं पता, मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मतलब जो छोटे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, हमने कई बार पूछा होगा भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, भगवान होते हैं तो क्या सिर्फ भारत में ही क्यों हुए, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाई में भी भगवान हों या फिर कुछ ऐसी स्टोरीज़ हों भगवान ना हों, लेकिन इंडिया हम आज जानते हैं, हम जिस रेफरेंस में रहते हैं वो इंडिया है, लेकिन क्या पता साउथ एशिया में पूरे में वो चीज़ें फैली हों, पूरी दुनिया में वो चीज़ें फैली हों, कोई आइडिया हम हिस्ट्री का इतना नहीं लगा सकते कि भगवान थे या क्या था, राजा महाराजा थे जिनकी स्टोरी बना दी गई या वॉट एवर जो भी सीन हो। वेस्ट एशिया का आप वो देखो पूरा एरिया देखो, अब यहाँ पे हम मैप में देखते हैं एक और बार, हमने मतलब ये देख चुके हैं पहले भी, लेकिन देखो यहाँ बेबीलोन है जो आपने देखा, जहाँ बेबीलोनियन लोग आ गए थे, उरुक जो आप नदी पढ़ने वाले हो वो सॉरी उरुक जो आप जगह पढ़ने वाले हो जो मेनली उरुक में खुदाई हुई है और ज़्यादातर मारी में हुई है, और भी आपको देखने को मिलेगा आगे स्टोरीज़ में, यानी कि जब एक एक करके आप टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें। नदी एरिया आपकी टिग्रिस और फरात नदी यानी कि यूफ्रेटिस नदी, ठीक है, सीरिया यहाँ ऊपर है, ठीक, यहाँ ईरान है, और यहाँ पे ये वाला एरिया थोड़ा सा इराक का है, आज का इराक जो है, ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या था, मेसोपोटामिया वाला रीजन हुआ करता था। अगर मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी देखें तो देखो ईरान वाली इराक वाली जो लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट है, यानी बहुत सारे तरह का मिलेगा। नॉर्थ में आपको बहुत ही हरा भरा चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, लहराते प्लेन्स मिलेंगे यानी कि मैदानी इलाका मिलेगा, जो धीरे 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 बढ़ता हुआ कहाँ जाता है, ये जो जंगल है धीरे धीरे कहाँ माउंटेन रेंज को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, स्ट्रीम यानी कि झरने बहते हैं, वाइट फ्लावर्स होते हैं यानी कि जंगली फूल होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है कि क्रॉप उगाई जा सके। लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ की बात है। अब देखो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में क्या है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होती है, जो कि एग्रीकल्चर की 7000 से लगभग 6000 BCE में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इन द नॉर्थ यहाँ पे तो पूरे अपलैंड है जिन्हें हम स्टीपी कहते हैं, ठीक है, स्टीपी कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर कर वो जहाँ पे रीजन ठीक है, ठीक है। अब स्टीपी क्या है, स्टीपी वो एरिया है जहाँ पे एनिमल हर्डिंग यानी कि पशुपालन भी होता है, और जबकि बात करें तो एग्रीकल्चर से ज़्यादा अच्छा पशुपालन से कमाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्रासेस होती हैं अच्छी खासी शीप और गोट के लिए, शीप और गोट ही ऐसे जानवर हैं जो इतनी ऐसे वाले टेम्परेचर में रह सकते हैं, आपने देखा होगा थोड़ा डेजर्टेड इलाका है इराक का, तो शीप और गोट रहते हैं, ठीक है। यहाँ की जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, जो टिग्रिस नदी की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, वो अपना रास्ता निकालती हैं और उससे कम्युनिकेशन हो सकता है माउंटेन्स में, यानी कि नदियाँ हैं, ठीक है, नदियों से सहायक नदियाँ निकली, ठीक है, नदियों के सहारे आया जाया जा सकता है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो सकता था, ठीक है। साउथ में क्या है, लेकिन डेजर्ट है। अब हम साउथ की बात करेंगे तो साउथ में क्या आ गया है, साउथ में डेजर्ट आ चुका है, जहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ इमर्ज होना शुरू हुई थी, जहाँ पे सबसे पहले राइटिंग इमर्ज होना शुरू हुई थी, जो आप नीचे देखने वाले ही हो, ठीक है। ये जो डेजर्ट थे इन्होंने सपोर्ट किया है सिटीज़ को बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्यों अभी हम देखेंगे कैसे कैसे किया है। यूफ्रेटिस और जो टिग्रिस नदी हैं
जो नॉर्दर्न माउंटेन में उगती मतलब निकलती हैं जहाँ से, वो नीचे तक क्या लेके आती हैं, पानी लेके आती हैं, पानी के साथ खेतों में फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। अब देखो नदियाँ हैं, इनका बेसिकली फंडा ये होता था कि ऊपर से आई नदियाँ, आई पहाड़ों से निकलती भी ठीक है, आएंगी नदियों के सहायक नदियाँ भी निकलेंगी ठीक है। अगर लैंड थोड़ी भी ठीक ठाक है, पहली बात तो नदियाँ हैं तो लैंड उपजाऊ होगी ही ठीक है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं, थोड़ा सा सिल्ट लाती हैं, थोड़ी सी मिट्टी लाती हैं, उपजाऊपन लाती हैं ठीक है, ये सारी चीज़ें लाती हैं, तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर ज़्यादा पानी आ जाए नदियों में, कहीं से माउंटेन से ज़्यादा पिघल के आ जाए पानी, तो क्या होगा, इन नदियों में क्या आ सकती थी, बाढ़ आ सकती थी बहुत आसानी से। नदियों में बाढ़ आती है ठीक है, जैसे ही नदियों में बाढ़ आई पानी बहने लगा, और जैसे ही पानी बहने लगा आसपास वाली मिट्टी में क्या हुआ, खेती हो गई, सिंचाई के लिए उन्हें पानी मिल गया। तो सिंचाई कैसे होती थी, ज़्यादातर नदियों के फ्लड के पानी से ही इनकी सिंचाई होती थी ठीक है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट का भी रीज़न बन गया, क्यों, क्योंकि ऊपर जो नॉर्थ है, नॉर्थ से नदी निकल के आ रही है, कई बार जो नॉर्थ के इलाके होते थे वो क्या करते थे, पानी को कुछ इस तरह से घुमा लेते थे कि ज़्यादातर यूज़ यही कर लेते थे, तो नीचे वाली जगहों तक ज़्यादातर पानी कभी कभी क्या होता था, नदी नहीं पहुंच पाता था। और जब ऐसे में पानी नीचे नहीं पहुंच पाता था, तो नीचे वाले उसमें और ऊपर वाले उसमें ऐसे कई सारे राजा महाराजाओं सरदारों की आपस में क्या हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी। और जब सरदारों की लड़ाई हो जाती थी, तब उसका सॉल्यूशन क्या निकलता था, जो भी सरदार किसी एक को हरा देता था उसकी ज़मीन जब्त कर लेता था, उसके जो लोग हैं उन्हें नौकर बना लेता था ठीक है। और अपने लोगों में, यानी कि अगर मान लो ए सरदार है, ए सरदार ने लड़ाई जीत ली, तो जो बी सरदार है जो हारा था, इसके जो लोग हैं उन्हें अपने यहाँ पर नौकर बना लेगा, इसकी लैंड ले लेगा, यहाँ अपने लोगों को सामान दे देगा सारा बी वालों का ठीक है। तो ये सारे जो लुटे मतलब ये जो सरदार थे, इनमें ऐसी फाइटिंग वगैरह हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाती थी। अब मैंने आपके बहुत सारे सेवरल टॉपिक्स नीचे तक के कवर कर दिए हैं इसी स्टोरी में, क्योंकि वो सब लिंक ही थे, बहुत ही छोटा सा मतलब ये पूरा सिस्टम था ठीक है। जो ये हैं फ्रेटस हैं या फिर यूफ्रेटस हैं, फरात नदी है, वो डेजर्ट में एंटर करती है, छोटे छोटे चैनल्स यानी कि छोटी छोटी अपने रोड्स बनाती है, अपने लिए गली बनाती है, और किनारों पर क्या करती है, इरिगेशन का काम कर जाती है और सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे बार्ली, पीज, लेंटिल्स, वीट, इन सबको पानी मिल जाता है, इन फसलों को ठीक है। जैसे रोमन एम्पायर था ना, रोम एम्पायर, उससे भी कहीं अच्छा कहा जाता है कि यहाँ की ग्रोथ हो जाती थी जब नदियों में पानी होता था। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर ही ऐसा नहीं था जो सपोर्ट करता था, इसके अलावा जो शीप और गोट थे यानी कि जो पशुपालन वाला काम होता था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो स्टीप वाले एरिया को ग्रेस करते थे, यानी कि खाते थे, चढ़ते थे, जो लैंड होती थी ठीक है, जो छोटी छोटी घास होती थी उन्हें वो खाते थे। उससे क्या क्या मिलता था, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी उससे, क्या क्या, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, वूल मिलता है, मिलती है अबंडेंस में, यानी कि बहुत पर्याप्त मात्रा में बहुत सारा मिलता है, जिससे सारा काम हो जाता था। नदियाँ थी, अवेलेबल थी, तो फिश भी थी नदियों की वजह से, साथ में डेट पाम, डेट को क्या होते हैं, छुआरे, छुआरों के जो पाम होते हैं ठीक है, डेट पाम्स होते हैं, उनके फ्रूट वगैरह समर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या शहरों में भी ट्रैवल करवाते थे, शहरों में ट्रांसपोर्ट करते थे। लेकिन अब आप ये भूल मत कर देना कि सारे लोग शहरों वाले गांवों पे डिपेंड होते थे। शहर बनते कैसे हैं, शहर मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे इकोनॉमी का यानी कि कमाई का कोई ऐसा स्रोत भी है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर से सीमित नहीं है, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि खाना खा लिया और काम हो गया। शहर में बहुत सारे काम होते, तभी तो शहर बना, वेल डेवलप बना। तो अगर हम बात करें तो सिटीज़ और टाउन्स की ठीक है, ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ जहाँ पॉपुलेशन है वो सिटीज़ होती है, नहीं, वहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होते हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ बाकी काम भी होते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे काम होते थे, सिटी पीपल सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी कि आप मतलब सारे काम वो ऐसे करते थे कि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सके, सेल्फ सफिशिएंट होते थे ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों पे डिपेंड होते थे, लाइक शहर अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन शहर के लोग एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते थे ठीक है। कैसे, अगर मान लो किसी को मतलब जो ब्रोंज के टूल पे यानी कि जो ब्रोंज का औजार है उस पे वो कार्विंग करता है, क्रेविंग करता है, कुछ डिज़ाइन बनाता है, कुछ गाड़ के लिखता है ठीक है, तो वो जो इंसान है वो खुद ही थोड़ी ना जाएगा, वो ब्रोंज निकाल के लाएगा कहीं से कलर स्टोन लाएगा, खुद फिर उसे मतलब बनाएगा भी और फिर उसे बेकेगा भी। वो किसी एक चीज़ में तो स्पेशलाइज हो सकता है, यानी कि अगर वो क्रेविंग करता है तो उस क्रेविंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा या फिर स्पेशलाइज होगा। बाकी सारे काम कौन करेगा, कि उसे पत्थर को लाना, पत्थर को तराशना, बाकी काम करना, उस पर कलर करना, वो तो सिर्फ डिज़ाइन बनाएगा उस पर, और उस पर बाद में व्यापार करना, तो ये सारे काम तो बाकी और लोग करेंगे। तो यहाँ क्या था, वर्कर्स का नहीं बल्कि लेबर का क्या होता था, डिवीज़न होता था, मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर, काम का क्या होता था, डिवीज़न था कि कौन क्या काम करेगा। लेकिन हाँ, इसे ये मत समझ लेना कि जाति प्रथा थी या ये सब था, लेकिन ये था कि हाँ काम कैसे होगा वो डिवाइडेड होता है, आज भी काम डिवाइडेड होता है ठीक है। अब कोई शॉपकीपर है वो कोई इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ी ना करता है, अब कोई एक ही काम में स्पेशलाइज हो सकता है, तो वही चीज़ें इसमें दे रखी हैं ठीक। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
मैन्युफैक्चर की जाती थी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे फ्यूल चाहिएगा आपको, मेटल चाहिएगा, बहुत सारे पत्थर चाहिएंगे, लकड़ी चाहिएगी, ये सारी चीज़ें आती कहाँ थी, इन्हें स्टोरेज करना, ये सारी चीज़ें क्या होती थी, एक दूसरे से एक दूसरे के लोग सप्लाई करते थे। जैसे विलेज के लोग क्या करते थे, खाना पीना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, विलेज से खाना आता था यहाँ पर बांटा जाता था, ये सारी चीज़ें। ब्रॉन्ज के टूल्स वगैरह जो पोर्ट्स हैं वो सब अवेलेबल करवाए जाते थे, अलग अलग जगहों से लेके आया जाता था, ठीक है। और जो लोग थे वो कमांड का सिस्टम मानते थे, यानी कि अगर इतना सारा व्यापार करवाना है तो यानी कि लोग कहीं ना कहीं ऑबे तो करते होंगे ना, एक दूसरे का मानते होंगे, बात कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ऐसे हायरार्की जरूर होती होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो ये व्यापार होता था इतना बड़ा बड़ा, अलग अलग जगहों से सामान आने वाला, ठीक है, जैसे गांव से शहर में, शहर से गांव में, या फिर बाकी टूल्स भी जो दूसरे शहरों से लाने हैं, दूसरी जगहों से लाने हैं, दूसरे देशों से लाने हैं, उसके लिए क्या होते थे, रिटर्न रिकॉर्ड्स होते थे, और रिटर्न रिकॉर्ड्स इनके सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए। अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें और लगभग 3000 BC पहले, तो जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज एक तरह का अलॉय है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ब्रॉन्ज का यूज़ किस लिए होता था, मेटल्स की चीज़ें बनाने के लिए। अब यूजिंग ब्रॉन्ज मीन्स प्रोड्यूसिंग दीज मेटल्स ऑफन फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि ग्रेट डिस्टेंस से हम वो चीज़ें, यानी कि क्या क्या जो जिससे ब्रॉन्ज बना हुआ है, कॉपर और टिन, वो मंगाते होंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या काम हमें करना है, एक्यूरेट कारपेंट्री का काम होना चाहिए, ड्रिलिंग होनी चाहिए बीड्स की, क्रेविंग स्टोन यानी कि स्टोन बनना चाहिए उसका, फिर उसे कटिंग शेल्स यानी कि शेल को काटना चाहिए, उसके बाद कुछ बनेगा। यानी कि कुछ भी करने के लिए पहले तुम क्या करोगे, एक्यूरेट कारपेंट्री करोगे, यानी कि उसका डिज़ाइन तैयार करोगे, फिर उसे ड्रिल करोगे, बीड्स को छेद करोगे, उसमें स्टोन पे क्रैविंग करोगे, फिर उसकी शेल को कट करोगे, ठीक है। इस तरह से कोई चीज़ बनती होगी, तो ये सारे काम कैसे थे, ये डिवाइडेड थे, ये बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखो द वर्का हेड, ये बहुत पॉपुलर हुआ था, क्यों है ये स्कल्पचर बहुत ज़्यादा पॉपुलर, क्योंकि वुमेन का सर है एक तो, ठीक है। उरुक नदी, उरुक जगह से मिला था 3000 BC पहले का बताया जाता है। जो इसकी आईज हैं और जो आईब्रोज हैं वो ज़्यादातर ऐसा लगता है किससे बनाई गई हैं, लापिस लॉजली से। लापिस लॉजली एक तरह का, ये समझ लो कि ब्लू कलर का एक पिगमेंट होता है थोड़ा सा स्टोन की तरह, जो कि ब्लू कलर देता है। शेल वाइट शेल से बना हुआ, बिटुमिन ब्लैक इनलेज, यानी कि इन सब चीज़ों से बना हुआ है। और इसके टॉप पे देखोगे तो ऊपर ये जो डिज़ाइन है वो थोड़ा गहनों का डिज़ाइन है, क्या ये वाला जो डिज़ाइन है ये कहीं ना कहीं गहनों का डिज़ाइन बताया गया है, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़े स्टोन और कठोर स्टोन पे बनाया गया है। और इसका चिन देखो, ये चिन देखोगे और इसका जो चिक देखोगे, ये वाला जो फेस वाला कट है वो बहुत स्मूथली किया गया है, जो कि जो काम है वो एकदम से ऐसे नहीं होता। और ये भी बहुत टफ स्टोन पे बनाया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी या फिर कह लो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्कल्पचर है। अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़, अब सिटीज़ में कैसे मूवमेंट होता था चीज़ों का, तो देखो हमने देखा कि मेसोपोटामिया के लोग फूड रिसोर्सेज में तो काफ़ी रिच थे, खाना वगैरह तो था उनका, लैंड तो इनकी बहुत ज़्यादा क्या थी, उपजाऊ थी, लेकिन इनके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं थे, ये लैक थे, यानी कमी थी इनके स्टोन्स में, टूल्स में, सील्स में, ज्वेल्स में, इन सारी चीज़ों में। बल्कि इराकी जो के जो डेट पाम थे वो द वुड ऑफ इराकी, जो इराक में जो होने वाले छुआरे का पेड़ था उसकी जो लकड़ी थी वो भी इतनी कोई गाड़ियाँ बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, यानी कि उससे नहीं बन सकती थी चीज़ें। तो चीज़ें कहाँ से क्या करनी पड़ती होंगी, एक्सपोर्ट करनी पड़ती होंगी, इंपोर्ट करनी पड़ती होंगी, मतलब इंपोर्ट करनी पड़ती होंगी हमारे यहाँ लाने के लिए। तो क्या होता था कि वो अपने एग्रीकल्चर चीज़ों को बाहर वाले एरियाज़ में भेज देते थे, जैसे तुर्की ईरान में, और तुर्की ईरान से क्या लेते थे, अलग अलग तरह की लकड़ियाँ, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके अलावा पूरे गल्फ रीजन में भी, गल्फ के अक्रॉस भी क्या होता था, व्यापार होता होगा, ठीक है। बाद में ये चीज़ें, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह, ये सारी चीज़ें होने लगी। दीज लेटर रीजन्स हैड मिनरल रिसोर्सेज बट मच लेस स्कोप ऑफ द एग्रीकल्चर। अब तुर्की और ईरान की बात करें तो थोड़ा रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर तो कम ही होगा, तो एग्रीकल्चर का सामान चला गया मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया को उन्होंने क्या दे दिया, रिसोर्सेज दे दिए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता रहता था। इसके लिए ज़रूरी था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब देखो अगर आप एनिमल्स से ट्रांसपोर्ट करोगे तो क्या होगा, एनिमल्स को खाने को भी चाहिए, उन्हें रखने को भी चाहिए, ठीक है, बाकी साफ सफाई भी चाहिए एनिमल्स की, तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता था जाना। वैसे लोग जाते थे एनिमल्स पे भी पैक करके, बुलक कार्ट्स पे चीज़ें पैक करके, बट स्टिल वो थोड़ा क्या होता था, इकोनॉमिकली थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाता था। तो सबसे ईजी तरीका क्या था, रिवर बोट्स का, ठीक है, कि नदियों से ठीक है, नदियों से जाते थे। और आपको पता ही है दोनों साइड तो उसकी नदियाँ थी, तो रूट बहुत ही सही था उनके लिए नदियों से व्यापार करने का। और आप आगे भी पढ़ोगे किस तरह से इसे वर्ल्ड रूट कहा गया या फिर इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, जिसे आप वर्ल्ड रूट का नाम दे सकते हो, आप बाद में पढ़ोगे। अब डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सारी सोसाइटीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ज़्यादातर लोग उसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम वर्बल राइटिंग बोलते हैं। इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसे लिखा भी जाता है, यानी कि भाषा से बोली नहीं जाती, भाषा लिखी भी जाती है। जब भी हम कुछ बोलते हैं उसके एक स्क्रिप्ट यानी कि एक लिपि होती है, कुछ सिंबल होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, ठीक है। तो ऐसी इसकी लिपि थी, एक लिखा जाता था चीज़ें। जो पहली मेसोपोटामिया की एक टेबल मिली है वो लगभग 3200 BC पहले की मिली है,
उसमें पिक्चर हैं, कुछ साइंस हैं, कुछ नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। और हमें इन टोटल कैसे मिला है, लगभग 5,000 लिस्ट मिली है किस किस चीज़ की, ऑक्शन यानी कि जो बैल है, फिश है, ब्रेड लोव्स हैं, इन सारी चीज़ों के सिंबल्स हमें वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। ये जो उरुक का जो टेम्पल है साउथ में, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। अभी हम देखेंगे टेम्पल कैसे इंपॉर्टेंट थे। कोई रिकॉर्ड होता था, कोई ट्रांजेक्शन होता था उसे रिकॉर्ड करना होता था, कोई व्यापारी होता था तो वो रिकॉर्ड करता था अपनी चीज़ों को, और अलग 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 चीज़ों अलग अलग तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व था, मतलब ये राइटिंग। अब देखो जो मैंने ये यहाँ पे क्या ब्लू से आपको दिखा रखा है कि ये सब क्या है, लेटर्स है, कुछ सिंबल है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें बताते होंगे। देखो जैसे ये सिंबल माँ बताता है, इसका मतलब है माँ। इनकी में क्या था कि एक एक सिंबल सिर्फ एक लेटर नहीं बताता, जैसे हमारा इंग्लिश में क्या होता है अ ब, तो ये क्या होता है अ बी, यानी कि ए बी वाला जो हमारा सिस्टम होता है वो एक सिंबल, यानी कि ये वाला जो ए सिंबल है ये ए एक लेटर को बता रहा है। लेकिन ये जो सिंबल होते थे ये एक लेटर को नहीं बताते थे बल्कि एक हल्के क्या बताते थे, वर्ड्स को बताते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, ठीक है। जो सिलेबिक इनका साइन थे ये देखो, जैसे ऑक्स का इन्होंने दे रखा है, ग्रेन फिश का दे रखा है, और नंबर ऑफ बोट्स, ये सारी चीज़ें। तो जो मेसोपोटामिया की चीज़ें थी वो किस पर लिखी जाती थी, एक टैबलेट पे, क्ले की, यानी कि क्ले की एक पट्टी का कह लो, ठीक है, एक पट्टी का होती है जिसे हम टैबलेट कहते हो इंग्लिश में और हिंदी में पट्टी का कहते हो, ठीक है, ये उस पर लिखी जाती है, ठीक है। और देखो बेसिकली कैसा तरीका होता है, एक पर्टिकुलर साइज़ में, जिस भी साइज़ का आपको बनाना है उस साइज़ में क्या करते थे, एक गीली मिट्टी लेते थे, मतलब थोड़ा सा गीली मिट्टी ली, गीली करी, उसे जिस भी साइज़ का आपको बोर्ड चाहिए उस बोर्ड, उस तरह का बोर्ड बना लिया, और उसे सूखने से पहले, उसे सूखने से पहले उस पर क्या गाड़ गाड़ पर एंग्रेव करके लिखा जाता था, ठीक है। और जैसे ही वो सूख जाती थी, मतलब वो सन की रोशनी में सूख जाती थी, और सूखने के बाद वो मिटाई नहीं जा सकती थी, यानी कि जब वो गड़ गया तो अच्छे से डिज़ाइन मतलब इनकॉर्पोरेट हो गया उसके अंदर, तो ऐसे ही वो लिखते थे। अब देखो ये चैलेंज क्यों था, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि क्योंकि बहुत सारे सिंबल थे इनके, बहुत ही सारे सिंबल थे तो बहुत ही कम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। और साथ में क्या था कि इतनी जल्दी लिखना पड़ता था कि मिट्टी के सूखने से पहले सब कुछ तुम लिख भी लो, ठीक है। तो अगर मिट्टी के सूखने से पहले आपको सब कुछ लिखना है, यानी कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ में कम ही लोग पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। तो आपने ये सब देख लिया कि कैसे वो गाड़ के लिखना चाहिए, वो सन से वो क्या होता है, सन उसे सुखा देता है। और ये किस लिए काम आते थे, ट्रांजेक्शन के लिए काम आते थे, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए, या फिर कितने रिसोर्सेज हैं किसी के पास, किसी को कोई ज़मीन दे दी है, किसी से कोई ज़मीन ले लिया, तो वो इसमें लिखा जाता था। जैसे इस क्ले टैबलेट में देखो, इस क्ले टैबलेट में क्या है, एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ऊपर ट्राइंगल दिखेगा टॉप पे, और फिर पूरा वो प्रूफ कर रखा है कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। यहाँ पे क्या एक यूनिफॉर्म क्या होता है, डिराइव हुआ है लैटिन शब्द से, जिसका मतलब होता है वेज शेप, यानी कि कुछ गाड़ के लिखा हुआ, और वेज यानी कि कहीं ना कहीं उसका किनारा होता था, यूनिफॉर्म में लिखी जाती थी, यानी कि जितने भी सिंबल थे ना इनके, कहीं ना कहीं कोने उनके बने हुए होते थे, आपको कोने देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखो जैसे यहाँ पे कोना है, ठीक है, इनके देखो, यहाँ पे देखो ये कोना आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे कोने हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे कोने देखने को मिलते थे, कुछ कोन जैसा दिखने को मिलता था, इसलिए इसका नाम थोड़ा बहुत क्या रखा गया, यूनिफॉर्म रखा गया। और लिखना हमने बता दिया कैसे, गीली मिट्टी को करते थे, उसे रखते थे, उसे लिखा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, लगभग 2600 BC पहले क्या था, यूनिफॉर्म को डिस्कवर किया गया, यानी कि लेटर क्या होते हैं, यूनिफॉर्म, और भाषा कौन सी थी, सुमेरियन, यानी कि जैसे हमारी भाषा क्या है, हिंदी, और देवनागरी क्या है उसकी लिपि, ऐसे यहाँ की लिपि है यूनिफॉर्म, और यहाँ की लैंग्वेज है सुमेरियन, ठीक है। बहुत ही सारी उसमें चीज़ें थी, सुमेरियन जो थी वो अर्लीस्ट लैंग्वेज है मेसोपोटामिया की जो जानी गई है, और यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड इन यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी, जब तक पहली सेंचुरी नहीं आई थी तब तक यूनिफॉर्म राइटिंग में ही अकेडियन लैंग्वेज को भी लिखा जाता था। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अकाडियन भाषा हो गई थी सुमेरियन के बाद, तो अकाडियन भाषा को भी इसी लिपि में लिखा जाता था। सिस्टम ऑफ राइटिंग में बता चुकी, वोवल नहीं होते थे, क्या होते थे, सिलेबल्स होते थे, यानी कि पूरा ऐसे होता था, से पुट पूरे शब्दों को ऐसे बताता था, कुछ एक लेटर को नहीं बताता था ये अपने आप में, ठीक है। इन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था, यानी कि ये स्किल क्राफ्ट होती थी, यानी कि कुछ ही लोगों को आती थी, क्योंकि इसके सिंबल्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए लिटरेसी रेट लोगों का कम था, यानी कम ही लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता था, क्यों, क्योंकि इनके सिंबल्स बहुत अधिक थे, ठीक है। अगर कोई राजा पढ़ना लिखना जानता है तो राजा इसे बहुत प्राउड की बात मानता था, और राजा चाहता था कि मेरी कहानियों में बताया जाए कि हाँ मैं पढ़ना लिखना जानता था, ठीक है। अगर कोई राजा नहीं पढ़ना जानता या कुछ भी है तो फिर वो रीड करके तो सुनाई देते थे लोग, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं, लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल वुड हैव टू बी रीड आउट टू द किंग, किंग को आने वाला कोई भी ऑफिशियल लेटर पढ़ा जाता था, जैसे ये पढ़ा, जैसे टू माय लॉर्ड, मेरे लॉर्ड यानी कि मेरे मालिक स्पीक बोलता है वो, द से योर सर्वेंट बी, अपने सर्वेंट बी से कहा जो भी है, हैव कैरिड आउट द वर्क असाइन टू मी, मैंने वो काम कर दिया जो आपने मुझे दिया था, तो ऐसे ही वो चीजें पढ़ के सुनाता था। एक मिथिकल पोयम है जो जिसका एंड देखो क्या बताता है, लेट द वर्सेस बी हेल्ड इन द रिमेम्ब्रेंस एंड लेट द एल्डर्स टीच देम,
कि मतलब राजा क्या होता था, ये चाहता था कि भाई अगर मैं पढ़ना चाहता मैं मुझे पढ़ना लिखना आता है तो मेरी जनता उसे जाने दो। वो कहता है कि लोगों को इसे याद करने दो और बड़े लोगों को छोटों को इस बताने दो सिखाने दो, ठीक है, वाइज मैन को और वाइज वन को, जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो स्कॉलर्स हैं उन्हें डिस्कस करने दो इस बात पर, फादर को अपने पिता को बताने दो ये सारी चीज़ें, और जो सुनने वाले हैं उनके कानों में पड़ जाए कि भाई ये सारी मतलब पॉपुलर हो जाए वो कि हाँ वो पढ़ना जानता था। अब राइटिंग का यूज़ कैसे होता है, राइटिंग के यूज़ के लिए एक स्टोरी बताई गई है। ऑब्वियसली हम इस राइटिंग को का जो स्टोरी है उसे पॉपुलर ऐसे नहीं कह सकते कि शब्दशः ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि वर्ड टू वर्ड ठीक है, लेकिन ये स्टोरी कैसी है कि सुमेरियन का एक एपिक पोयम है, यानी कि एक पोयम है जिसमें मतलब बहुत ही महान सी पोयम है जिसपे क्या लिखा गया है कि कैसे लिखने की शुरुआत हुई, कैसे इसका यूज़ किया जाता था। तो जैसे उरुक एक सिटी थी जो आपने ऊपर मैप में देखी, वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस के लिए थी, यानी कि बहुत ही अच्छी थी, ठीक, ओफन ऑन सिंपली एज अ सिटी, जिसे ज़्यादातर शहर कह देते थे। अगर कोई लिमिटेड शहर ही हो, कमी शहर हो, तो उसे शहरी कह देते हैं ना, तो उरुक को भी शहर कह देते हैं उसे। और यहाँ की बात क्या है कि कहाँ गया है, पे कहता है कि पहले ना व्यापार इतना पहचानने में नहीं था, व्यापार ज़्यादातर व्यापार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी स्टार्टिंग में, व्यापार इतने इंपॉर्टेंस में नहीं था। एक बार एन मार्कर चाहता था कि वो क्या करे, टेंपल को ब्यूटीफाई करने के लिए, टेंपल को और सुंदर करने के लिए कुछ लैपिस लाजुली जो ऊपर ब्लू कलर का पिगमेंट था उससे और प्रीसियस मेटल से वो उसे सजाए, तो वो अपने संदेशवाहक को भेजता है कहाँ पर, अराटा, बहुत ही डिस्टेंट लैंड पर, यानी कि बहुत दूरी पर अराटा एक जगह है, वहाँ पर भेजता है कि जाओ तुम वहाँ से क्या लेके आओ, वहाँ से ये वाला लापिस लाउजली यानी जो ब्लू कलर का वो जो स्टोन सा था उसे लेके आओ जिससे मुझे अपना वो सजाना है। तो मैसेज उसके दिमाग में सेट करवाया गया, ठीक है, शब्दों को, राजा के शब्दों को अराटा जाने वाला जो मैसेंजर था उसके दिमाग में सेट करवाया गया। वो मैसेंजर बहुत देर दिन रात चलता रहा, जैसे वो तारों का पीछा करते करते, यानी कि ये दिखाया गया थोड़ा एपिक पोयम है तो इसलिए थोड़ा पोएट्रिक वे में बताया गया कि तारों का पीछा करते करते वो जाता है, सूरज की कई वो उगती हैं डूब जाती हैं सूरज की दिशा में वो चलता चला जाता है, माउंटेन रेंज में जब वो चलता है तो बाकी जो माउंटेन रेंज के नीचे रहने वाले लोग हैं वो उसे बहुत छोटा सा महसूस करते हैं, ये देखो एक छोटा सा माइस जा रहा है, यानी कि एक मतलब चूहा जा रहा है छोटा सा, उसे सैल्यूट करते हैं, इनकी ये दिखाना चाह रहा है इससे कवि कि मतलब कैसे माउंटेन से ऊपर से नीचे देखने में सब छोटे दिखते हैं ऐसे वाला, ठीक है। वो 5 माउंटेन रेंज क्रॉस करता है, 6ठी करता है, 7वीं करता है, ऐसे करता है, तो वो बहुत टाइम बाद चलता है। और कभी कभी उसे क्या होता था, अराटा चीफ सरदार नहीं मिलता था वहाँ का, अगर कभी मिल गया तो फिर वो भूल जाता था, और उसने इतने सारा जो मैसेज था वो सबको मैसअप कर दिया, यानी कि वो सब कुछ मिक्स हो गया उसके दिमाग में, तो वो सही मैसेज दे ही नहीं पाया। तो इसलिए वो दोबारा अपने मालिक के पास आया, कहाँ पे, अपने यहाँ मेसोपोटामिया वाले रीजन में, जो सुमेर वाला रीजन था, उरुक्कू वाला जो रीजन था, उरुक्कू साम्राज्य में आया। तो फिर राजा को लगा कि यार ये तो ऐसे मैसेज पहुँचाएगा ही नहीं, तब राजा ने एक वो ली, मिट्टी की स्लेट ली, और उस पर कुछ लिख के दिया, ठीक है, और वो लेटर वो मतलब वो पट्टिका जाके किसी वो टैबलेट जाके वहाँ के राजा को उसने पकड़ा दी, अराटा के राजा को। अराटा का राजा बहुत ही सरप्राइज हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है, उसने बहुत ध्यान से देखा, उसने ट्राई करा उससे कोडिंग निकालने की, ठीक है, वो अपने हाथ में लेके उसे बैठा रहा, और फिर उसने क्या करा कि फिर वहाँ से पता लगा कि अच्छा इस तरह से राइटिंग का यूज़ होता है। वही बात है कि राइटिंग का यूज़ होता था इस तरह से, यानी शब्दशः तो ठीक नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली 6-7 पहाड़ चढ़ के वो रोज जा रहा है या इस तरह से इतने सालों तक जा रहा है और इतने सालों तक आ रहा है, ठीक है, तो इस शब्द से ठीक नहीं है, बट हाँ शायद कहीं ना कहीं लिंक होता होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्बनाइजेशन की साउदर्न मेसोपोटामिया की, टेम्पल एंड किंग, यानी कि राजा और कैसे टेंपल सेट होते हैं। अब अगर हम शहर की बात करें तो शहर 3 रीज़न से डेवलप होते हैं, या तो व्यापार की वजह से डेवलप होते हैं, ठीक है, या फिर मंदिरों की वजह से डेवलप होते हैं, या फिर इंपीरियल सिटीज़ यानी जो राजधानी बना दी जाती है शहरों को तब। तो अभी हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ट्रेड यानी कि आपका व्यापार और कैसे आपके टेंपल्स रीज़न बने। अगर हम टेंपल की बात करें तो स्टार्टिंग में लोगों ने वहीं मतलब बिना कुछ ज़्यादा सोचे किसी भी रीज़न में क्या कर दिए, टेंपल्स बनाने शुरू कर दिए। पहले के जो टेंपल्स थे वो पकी हुई ईंटों के नहीं बने हुए होते थे, ऐसे ही ईंटों के सिंपल बने हुए होते थे, और कौन किस किस के घर माने जाते थे, मून गॉड के जो कि उर हैं, ठीक है, इन्नान जो कि प्यार और वॉर की देवी हैं, इन सब के मंदिर बनाए गए। जो मंदिर थे स्टार्टिंग में क्या था, धीरे धीरे बड़े हुए, स्टार्टिंग में इतने बड़े नहीं थे, धीरे धीरे उनका साइज़ बड़ा होता गया, ठीक है। टेंपल को भी घरों की तरह ही बनाया जाता था क्योंकि कहा जाता था कि ये भगवान के घर ही हैं, लेकिन एक बेसिक अंतर जो था टेंपल और घरों में वो क्या माना जाता है कि टेंपल जो थे ना अंदर की साइड से रेगुलर इंटरवल्स पे आउटर वॉल्स जो थी ना उनकी वो अंदर को मुड़ती थी, यानी कि जैसे ऐसे मान लो एक सर्कल है, ये मान लो एक वॉल है अंदर की साइड को, ये फिर प्लेन आ गया, फिर थोड़ा उभर के आया, फिर प्लेन,
फिर उभर के आया, फिर प्लेन, ऐसे तो टेम्पल होते थे। और घर में ऐसा कुछ नहीं था, घर में सिंपल दीवारें हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि टेम्पल कैसे कैसे थे और कैसे कैसे बनना शुरू हुए। टेम्पल में धीरे धीरे वर्शिप पे बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा, लोग भगवान की पूजा करने लगे, भगवान के लिए ग्रेन, अनाज, दही, फिश वगैरह लेके आने लगे। ठीक है, वो चढ़ाने लगे उन्हें। ठीक, और द फ्लोर ऑफ कुछ अर्ली टेम्पल्स यानी कि स्टार्टिंग के मंदिरों की जो कुछ फ्लोर थी, नीचे की ज़मीन थी, वो बड़े बड़े मछली की जो हड्डियाँ होती हैं उससे बनी हुई थी। अब देखो, हमारे हिंदू धर्म में या फिर किसी और चीज़ में जो और ट्रेडिशन है, कई कुछ धर्मों में माना जाता है कि फ़िश वगैरह नहीं खानी चाहिए, वो क्या है मतलब वो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेज है। लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल के हिंदुओं की बात करें, उनके लिए फ़िश बहुत ज़्यादा मतलब पवित्र मानी जाती है। ऐसे यहाँ पर भी मंदिरों में क्या है, फ़िश बोन्स की जो हड्डियाँ हैं उनका यूज़ किया गया है फ़िश की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है क्या सही है क्या गलत है, सब सही है और सभी क्वेश्चन लगाया जा सकता है सब पे। ठीक है, जो गॉड है, कहा जाता था कि वो मतलब कहने के लिए कहा जाता था कि भाई वो सबके ऑनर है, चाहे वो कोई फील्ड है, कोई फिशरीज है, कोई हर्टिंग है, यानी कि आप इसको पाल रहे हो, लोकल कम्युनिटी की हर चीज़, हर कोई काम क्या हो रहा है, गॉड की देखरेख में हो रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, कि ऑयल प्रेस करना, ग्रेन को ग्राइंड करना, स्पिनिंग करना, ठीक है, इनकी बीज को पीसना, तेल निकालना, ये सारे काम धीरे धीरे टेंपल के आसपास होने लगे। धीरे धीरे प्रोडक्शन लेवल बढ़ने लगा, एम्प्लॉयर बढ़ने लगे, व्यापारी बढ़ने लगे, रिकॉर्ड्स होने लगी, चीज़ें अलॉटमेंट होने लगी अलग अलग चीज़ों की। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी, टेंपल एक बहुत बड़ा एक्टिविटीज़ का हब बन गया, लोग आते थे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काम करने लगे। ठीक है, नेचुरल फर्टिलिटी के अलावा जो ये हमने नदियों की बात करी थी या फिर जो ये सारी चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा दुख देने वाली भी थी, हज़र्ड्स भी थी, यानी कि कुछ खतरनाक भी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि कभी कभी बाढ़ इतनी भी आ जाती थी कि नदियों में कि जितनी फर्टिलिटी के लिए पानी चाहिए उतना तो हुआ ही, साथ में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई कि फसल भी ख़राब कर दी उसने। ठीक है, बाढ़ का पानी अगर एक लिमिटेड अमाउंट में हो तो भी ये फसल को ठीक रखता है, लेकिन अगर बाढ़ का पानी ज़्यादा अमाउंट में आ जाए तो वो भी नुकसानदायक है। तो ये हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऊपर वाले जो अपस्ट्रीम वाले लोग थे, वो डाउन स्ट्रीम वाले लोगों को कभी कभी क्या करते थे, पानी नहीं पहुंचाते थे, तो नीचे पानी नहीं पहुंचता था। अब नीचे पानी नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा कि वहाँ के लोगों को डिस्टरबेंस होगा, तो वहाँ पे युद्ध वगैरह हो जाते थे। इसके अलावा हमें मेसोपोटामिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं कि यहाँ पे क्या था कि जो गाँव थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होते रहते थे, यानी कि लोग एक लंबे टाइम तक एक जगह नहीं रुकते थे। रीज़न क्या था, यही थे भाई, बाढ़ का पानी आ गया तो उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से अगर उन्होंने मना कर दिया, ऊपर वाले जो नदी के नॉर्थ में रहते हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम साउथ वालों को पानी नहीं देंगे, तो दिक्कत हो जाती थी। तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्टिंग होती रहती थी। और जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो एक सरदार था वो दूसरे सरदार के जो लोग थे उन्हें अपना कैदी बना लेता था, उनसे काम करवाता था, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। कम्युनिटी का वेलबिंग ऐसे ही चलता रहता था। और धीरे धीरे नए इंस्टीट्यूशन बने, धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ये जो सरदार थे वो पावरफुल होने लगे, तो उन्होंने काम किस पे करने लगे, अब ये सरदार किस पे काम करने लगे, टेम्पल्स को और सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, और इसके लिए वो क्या करते थे, अलग अलग लोगों को काम करवाया जाता था, जो फाइन स्टोन को छांट के लाना, उन्हें काम करना, मंदिर बनाना, ये सारे काम कौन करता था, वही जिस सरदारी को लूटा गया। एक सरदार ने दूसरे सरदार पर लड़ाई करी थी ना पानी की वजह से, जमीन की वजह से, तो जो सरदारी हारी उस सरदारी के लोगों को ये काम करना पड़ता था, और जो सरदार जीता वो मजे में रहता ही था। ठीक है, किंग का हाई स्टेटस हो गया था और लोग उसकी अथॉरिटी को मानते थे, वो आपको पता ही है, अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा। ठीक है, कि कैसे क्या कैसे हुआ था कि एनमार्कर ने कुछ लिख के दे दिया उसे कि भाई तू जा और फिर अब ये व्यापार का सामान लेके आ, जबकि जो उसका मैसेंजर था वो दो तीन चक्कर ऑलरेडी काट चुका था बहुत बार, बहुत सालों तक। ठीक है, तो यानी कि लोग उसकी मानते थे। इसके अलावा हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये री एनफोर्सिंग साइकिल थी, साइकिल चलती रहती थी, कैसे लीडर्स एनकरेज करते थे विलेजर्स को कि वो बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, जैसे मंदिर बनवा दिए, कुछ और बनवा दिया। ठीक है, इससे वो आर्मी में भी इकट्ठा होते थे और जैसे आर्मी बढ़ती थी तो जो लीडर था उसकी पावर भी उतनी ही बढ़ती जाती थी, तो ये चलता रहता था। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जो उरुक था, उरुक ग्रू टू द इनॉर्मस एक्सटेंट ऑफ 250 हेक्टेयर, लगभग 3000 BC के आसपास वो लगभग 250 हेक्टेयर का हो चुका था जो उरुक नगर था, जो कि मोहनजोदाड़ो के दुगना था। मोहनजोदाड़ो आप पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है, जो थोड़ा हड़प्पा सभ्यता में आता है मोहनजोदाड़ो वाला, जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका है, वहाँ का, उस वाली लैंड से लगभग दुगना था यहाँ की लैंड का जो वो था मेजरमेंट था, और जो कि विलेज का एरिया डेजर्टेड था। ठीक है, तो पॉपुलेशन को शिफ्ट होना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह डेट टू डेट पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। इसके अलावा क्या है, जो वॉर कैप्टिव थे उन्हें, यानी कि जो जंग के दौरान पकड़े गए थे, वो एक सरदार का दूसरे सरदारी पे, या तो उन्हें रूलर का सीधा काम करना पड़ता था, रूलर का नौकर बनना पड़ता था, या टेम्पल को बनाने के लिए
टेम्पल को बनाने के लिए जबरदस्ती काम करना पड़ता था। उन्हें टैक्स तो चुकाना ही होता था, एग्रीकल्चर टैक्स। इसके अलावा क्या कंपलसरी था उनके लिए? रूलर्स के या फिर टेम्पल्स के लिए काम करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था, ठीक है। उन्हें फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राशन, जो सामान था, उन्हें चीज़ें अलॉट करी गई, राशन अलॉट किया गया, ठीक है। क्या काम करेगा कि कितनी ग्रेन किसे दी जा रही है, कितना कपड़ा किसे दिया जा रहा है, कितना तेल किसे दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें दी जाती थी। अब हमें कैसे पता दी जाती थी? क्योंकि हमें बहुत 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 सारी क्या मिली है, बहुत सारी पट्टिकाएं मिली हैं, बहुत सारी लिस्ट मिली है हमें, जहाँ पे था पीपल का नेम और पीपल के नेम के आगे कि उसे क्या मिलने वाला है वो चीज़। यानी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत होती थी। अगर एक बात बोले कि एस्टिमेशन से पता लगाया गया है कि लगभग 5 सालों तक हर रोज़ 10 घंटे काम किया था 1500 आदमियों ने, तब जाके एक मंदिर बना था। 5 साल काम करा, 10 घंटे हर इंसान ने, 1500 आदमियों ने, ठीक है। तो इतना बड़ा मंदिर उनका तब बना। तो यहाँ पे देखो बेसल स्टील क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये दिखाना चाह रहा है कि जो ऊपर एक मैन है वो शेर से लड़ रहा है, और फाइनली नीचे वाली फोटो में उसने शेर को मार दिया और उसकी जीत प्राप्त हो गई, ठीक है। जो रूलर्स थे वो अलग अलग जगह से चीज़ें लेके आते थे, स्टोन कहीं से, ओर्स कहीं से, ब्रिक्स कहीं से, ये सारी चीज़ें ब्रिक्स को बनाने के लिए, टेम्पल्स को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने लगी थी। बाद में जो ब्रॉन्ज के टूल्स थे वो फेवरेट, वो उसके भी बहुत सारी क्राफ्ट बनाने लगे, बहुत सारी चीज़ें उनकी बनाने लगी, ठीक है। धीरे धीरे जो ईंट थी वो कंस्ट्रक्ट होने लगी, बनाई जाने लगी। जो लकड़ी है उसका मतलब साइज़ वगैरह देखा जाने लगा, ये सारी चीज़ें। देयर बीइंग नो सुटेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ लार्ज होल्स, कभी कभी क्या हुआ कि इतने बड़े बड़े होल्स बनाए जाने लगे, हॉल बन गए, ठीक है, कि इन लकड़ियों के डंडों पे उनका वजन नहीं संभल सकता था। तो उन्हें क्या बनाने पड़े, बड़े बड़े पिलर्स बनाने पड़ेंगे ऑफकोर्स। यानी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें चेंज होने लगी। इसके अलावा क्या है, कई 100 लोगों को कामों पर लगा दिया गया कि वो क्या करेंगे, ईंटों को पकाएंगे, उनको कलर करेंगे, उनमें और सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। और स्कल्पचर्स को बहुत ही सुपर अचीवमेंट की तरह माना जाता है, जो कि इजीली नहीं था बनाने के लिए स्टोन से। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टार्ट हो गई थी। तो इसके अलावा क्या है, इन द लॉन्ग रन द व्हील, एक व्हील आया, पोर्टर्स व्हील। पोर्टर्स व्हील एक तरह का इनका इन्वेंशन था, यानी कि जब इन्होंने क्या बना लिया था, कुम्हार का चरखा बना लिया था, और इससे अब एक ही तरह की जो डिज़ाइनर चीज़ें थी, एक ही तरह के मटके थे, वो बहुत ही बड़े क्वांटिटी में बनाए जा सकते थे। जैसे इस फोटो में देखो, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी कि एक ऐसे युद्ध हुआ होगा नदी के पानी के ऊपर या ज़मीन के ऊपर, एक ने दूसरे को बंदी बना लिया। तो ये जो तीन है ये क्या है, ये बंदी हैं, ठीक है। और ये तीन देखो ये क्या है, ये मांग रहा है, भीख मांग रहा है कि भाई माफ़ कर दो ऐसा कुछ। और इनके हाथ में देखो औजार हैं, बाकियों के हाथ में ये भाले वगैरह जो आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, सिलेंडर की सील, जो आपको इस फोटो में यहाँ पे दिख जाएगी बहुत अच्छे से। जो सिलेंडर की सील होती थी, समझने वाली बात है, जो इंप्रेशन था सिलेंडर की सील का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो आर्म्ड के लोग थे उन्हें फिगर करा जाता था, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या थी, बनाई जाती थी। अब ये सील बनती कैसे थी, देखो इन्होंने बहुत सारी शेप्स की क्या बनाई, अपनी सील बनाई, उनमें से एक थी सिलेंडर सील। वो क्या होता है कि एक इन्होंने पहले प्लेट लेते हैं एक, ठीक है, उस पर डिज़ाइन बनाते हैं, ऊपर को उभरता हुआ डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। एक डंडी ली, डंडी पर चारों तरफ क्या करा, मिट्टी को रोल कर दिया। मिट्टी को रोल करेंगे उस डंडे के चारों तरफ, तो क्या होगा, वो सिलेंडर की शेप में आ जाएगी मिट्टी। फिर इस जो रोलिंग वाले पिन है, रोलिंग पिन यहाँ पर लगाई और ऐसे घुमाते चले गए, घुमाएंगे तो फिर जो नीचे वाली मिट्टी का डिज़ाइन है वो ऊपर उकड़ जाएगा ना। तो ऐसे ही ऊपर वाली ये सील्स बनाई जाती थी, ठीक है। अब इनका काम क्या था, एक तो था कि ये सील एज अ मोहर काम आती थी। इसके अलावा कैसे काम आती थी, इसके अलावा वही कि आप ये 12th में पढ़ोगे, कपड़े की कोई गांठ है वो लगाई, उसके ऊपर गीला कपड़ा लगाया। देखो मान लो एक बैग है, ठीक है, बैग की आपने गांठ लगा दी, इस गांठ पे आपने गीला कपड़ा, गीली मिट्टी लगा दी, और उसके ऊपर एक क्या करा, वो लिया सील ली और सील लगा दी, यानी कि छाप दिया। अगर वो डिज़ाइन सामने वाले तक पहुंचने तक क्या वो सेम रहेगा तो ठीक है, अगर वो सेम नहीं रहा तो फिर मतलब कुछ गड़बड़ करी गई है। तो ऐसे सील का ये प्रयोग करते थे, और बहुत सारी तरह की सील होती थी जिनका ये हेल्प लेते थे, मज़ा आता था, यूज़ करते थे ये सारी चीज़ें। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि शहर में उनकी लाइफ कैसी थी वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं।